हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आया हूँ, वो खेसारी लाल यादव और अमरपाली दुबे की मूवी का सीन, जो इसके मैं पहले बहुत सारे पार्ट रिएक्ट कर चुकी हूँ। अब आप लोगों की फरमाइश पे एक और पार्ट लेके आई हूँ। मूवी का नाम है आशिकी और ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो बहुत खुश हो गई और इतना इंटरेस्ट बन रहा है ना कि और पार्ट लेके आऊँ। मेरे को खुद को, मैं अपने आप को ही सजेस्ट कर रही हूँ कि और पार्ट्स लेके आऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसे लगती है मूवी, ये पार्ट्स कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें और ज़रूर बताएं मुझे। और नेक्स्ट किस चीज़ का रिएक्शन लेके आऊँ, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाह दुबे जी वाह, तहनी बाप बेटा मिलके बहुत अच्छा नौटंकी कैला। आज इस भरिल मई फिल्म में तहनी हमार और हमार बेटी पारुल के जान बेचती कैला। हम जिंदगी भर ना भूलब, कुछ करा दुबे जी, कुछ करा। यार लड़की की क्या गलती है, जिंदगी भर के दर्द दे के चल गई। अरे कमी रहे तो हमार परवरिश में, हम एक बाप बन के ना, एक दोस्त बन के ओकर परवरिश कई नहीं। ना दादा, हमके राजा चाहिए, हम राजा के बगैर ना जी पाए दादा, हमके राजा चाहिए। दुबे जी की आंख में आंसू देवे वाला कभी चैन से ना बैठ सकेला। गांव के एक भी घर ना बचे के चाहिए, चारों तरफ दिखे के चाहिए आग ही आग। मतलब ये खुलकर दुबे जी के करावन है, हम कई बात सबको बताने का पड़ी। अपने बस्ती में जवान आग लगल रहे ना, उकर सारा जिम्मेदारी है। सारे घर में आग लगी। सब खत्म हो गई बेटा, सब खत्म हो गई। क्या हो गई बाबूजी, ये सब कैसे हो गई? जो ना हो गई के चाहे वो हो गई बेटा। दुबे जी के गुंडा सब जरा दे लसन, पूरा टोला चर के खाक हो गई, सब बर्बाद हो गई। बाबूजी अच्छा शांत हो जाए, चाचा जी शांत हो जाए। केकरा केकरा तू चुप करीबा हो, केकरा केकरा चुप करीबा। देख लेला अपन आसकी के नतीजा, आसकी केला तू दोनों जा और अगर परिणाम आजी पूरा टोला मोहल्ला भोग रहा बा। सबीन के पीछे पड़ जाएंगे। सामने हम हाथ जोड़ के कहले रहन कि तार समाज हमनी के लड़की के कबो ना अपना, लेकिन ये अपना चित में आके
जान मर्जी हो कई ला हैं तब तो ये भी सपोर्ट कर भी रहा था पास मौका बा गंगा के छोड़ के भाग जाई हम गंगा के साथे साथ फेरा ले बानी छोड़ के भागे खाती ना जन्म जन्मांतर तक साथ निभावे खाती अब हमके मौत के परवाह नहीं है जवन होई तौना के सामना करा सुना तो तू एगो काम करा तू अपन जाति छोड़ के हमरा जाति में शामिल हो जा बोला होबे शामिल बोला शामिल होबा काहे शांत बाड़ा हो बोला बबुआ हकमा शामिल बोला काहे नहीं का बोला यार कितनी मुसीबतें अगर अपन आसकी साबित करे खाती ई जरूरी बा तो हम तैयार बने बताओ आज से कितनी अजमाइश है और अभी से हम अपन जात छोड़ रहल बानी अरुल बिटिया ये का करत अरु जोन भाईल उके भुला दे बेटा का भुला जी बाबूजी उ लोग ना सिर्फ हमके बदल समाज में आपके भी रुसवा कैलस अपना जीते जी आपके और अपन बेचित हम कबो ना भुलाई बेइज्जती के बदला लेवे खातिर हम जिंदा बानी बेटा हम तो से वादा करता नहीं जौने परिवार के वजह से हमार बेटी के आंसू गिरल बा वो परिवार के हम खून के आंसू रुबाई यार ये सब उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं और भुगतना उनके पापा को पड़ेगा भाई दामाद जी अपना जात में शामिल हो गई है भोरे भोज भात के तैयारी कर रहे तैयारी दामाद जी के बुलाओ वीरेन भाई अच्छा कपड़े भी वैसे डालेंगे आवा बबुआ बैठा आवा बबुआ बैठा आवा का हो का भाईल काहे उल्टी करत आड़ हम कबो मांस मछली नहीं की खाइले अब ई आदत डाल ला बबुआ अब हमनी के समाज में रहे के है तो यही कुल तोके खाए के पड़ी बबुआ लेकिन लेकिन हम खा ना पाए जब तू हमरे समाज के बटबाई ना की है तो हमरे समाज के बिटिया के कैसे ले जा सकत तू अगर ही गंगा खाती खाए के बा तो हम ही जरूर खाए तो खा बबुआ चला खा ले तो जी बहुत अच्छा सीन था ये बहुत अजमाइशें खेसार लाल यादव को देनी पड़ रही है अपने प्यार की बहुत सारी मतलब हर जगह उन
के लिए ये आ गया कि भी अगर तू इसको अमरपाली दुबे से शादी करना चाहता है, इसके साथ रहना चाहता है, तो ये करना पड़ेगा, धर्म चेंज करना पड़ेगा, अपनी जाति चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसको यहीं छोड़ जा, तू अपने घर वापस चला जा। तो यार वो बंदा इतना सब कुछ कर रहा है और लास्ट में तो बिल्कुल हद ही हो गई। उन्होंने ठीक है धर्म चेंज कर लिया, उन्होंने अपना ली वो जाति, लेकिन देखो खाने के मामले में तो मुझे भी थोड़ा ये कि भी तुम लोग मतलब उस पर इतना प्रेशर मत डालो ना। अब एक बात तो अब कोई भी कास्ट है ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर एक इंसान वही चीज़ खाएगा उसी जाति का जो सब बाकी सब खा रहे हैं। किसी को नहीं अच्छा लगता होगा कुछ खाना, किसी को वेजिटेबल अच्छी लगती होंगी, किसी को मांस मछली अच्छी लगती होंगी, तो ये तो कोई नेसेसरी नहीं है कि एक जात के होने के बाद वो मांस मछली ही खाएगा। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अगर वो चीज़ नहीं खा पा रहे हैं तब भी उन पर जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं ये खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमरपाली दुबे ने उनका स्टैंड लिया और उनको खाने से छुड़वा लिया, और वो अमरपाली दुबे के प्यार के चक्कर में कह रहे हैं ठीक है मैं ये भी खा लूँगा। लेकिन यार मुझे ही मतलब मैं देखो नहीं खाती हूँ है ना, देख के एकदम ये हो गया कि हाई मतलब जैसे, और उनके ऊपर क्या बीतती होगी सोच के कि हाई मुझे खाना भी पड़ेगा, माय गॉड, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ। फिर अमरपाली दुबे ने उनको मना कर दिया कि आप ना खाएं। अब उसके बाद पता नहीं कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अब वो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। अमरपाली दुबे उनको बचा लेगी इन सब चीज़ों से, क्या पता आगे वर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अभी तो लड़की का समाज उनको अपना रहा है, क्या पता आगे जाके वो भी ना अपनाए, तो वो हमें बाद में पता लगेगा, नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों की सजेशन पर रिएक्शन लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा बाय बाय।